नमस्कार एवरीवन, मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं, तो आज हम एक छोटे से टॉपिक के साथ मिलते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो हमारे कवि हैं, जिनको राष्ट्रीय कवि माना गया है, इनकी कुछ रचनाओं को क्षण के हिसाब से हम पढ़ते हैं, क्षण वाइज इनकी रचनाओं को हम देखते हैं। तो इनकी एक रचना, नंबर पहली रचना जो है दोस्तों, रंग में भंग 1909 की है, जयद्रथ वध है 1910 की है, भारत भारती रचना 1912 की है, किसान 1917 की है दोस्तों, पंचवटी 1925, विगत भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, झंकार 1929 और लास्ट इनकी एक रचना आदित्य के 1931। अभी हम केवल 9 रचनाएं पढ़ते हैं, इनकी बहुत रचनाएं हैं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा डेली हम पढ़ेंगे। ये जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हमारे राष्ट्रीय कवि थे, इनको भारत भारती रचना के लिए राष्ट्रीय कवि घोषित किया गया। धन्यवाद।